और चमेली को कहो इस चंडाल को समझाने के लिए। अभी अभी महाराज बुला रहे हैं। और फिलहाल मैं मदिरा सेवन करके आ रहा हूँ। ए बाबू भैंसवा जगना मुर्गा डोले थे रथा जे जिन्ना जे था उजार लाए जे था या चंपा हाँ मंत्री दिल्ली से कर भाई बाप चकोगे आइना बाप जब बुद्ध आइना बुद्धि मोहन जब बाप हमरा रथियाँ टपा बला इबई चिन रात फटाए फटाए दे देती है ये चंपा बाप की कर वो कसाई भगले हो बाहर चंपा इसमें तो पढ़ी लिखी है बहन और तुम्हारे छोटी बहन से मेली बिल्कुल नादान है। यही वो सभा है जो कि भरी हुई सभा में चमेली ने महाराज को भाग और विधाता मान लिया और तो भागवता मानने से इनकार है। लेकिन चमेली अभी बच्चा है, चमेली का भी लूर नहीं है, वो पढ़ेगी लिखेगी तब ज्ञान होगा बहन। लेकिन इस समय चमेली को बुला रहे, चमेली अगर समझाएंगे चमेली के बातों पे तो पढ़ाई लिखाई बंद मत कर देना। अभी बुला रहे छोटी बहन चमेली को गे लुरगरी के लुरगरी सुती गेलो तो आया गे लुरगरी बा चमेली आज तुम्हारे पिताजी ने चंपा का पिटाई किया है। प्रणाम दीदी खुश रहो बा। अरे बा तुम रो रही हो क्या बात है जो रो रही हो? हे बाबा आज मैं क्या कहूं क्या हुआ दीदी? पिताजी का कहना है इस राज की लोग सभी प्रजा मुझे भागवता कहते हैं और तुम भी मुझे भागवता कह दो। हाँ मान लेना चाहिए। नहीं पा क्यों पा? मैं मर जाऊंगी मिट जाऊंगी लेकिन मैं पिताजी को भागवता कभी नहीं कहूंगी। मैं पिताजी को कैसे भागवता कह दूं बहन जब पिताजी एक मरे हुए चीटी को नहीं जिला सके तो किस बात की भाग रहता नहीं बहन। अरे दीदी तुम तो जानती हो कि यहाँ का सभी प्रजागण पिताजी को भागवता मानते हैं। अगर तुम पिताजी को भागवता नहीं मानोगे तो पिताजी को क्या इज्जत रह जाएंगे बहन? हे बाबा पिता के डर से सभी प्रजा भागवता कहते हैं अपने संपत्ति के गुरूर में ये आपने याद को कहते मैं भाग देता हूं। नहीं बाबा हे लाखे लाखे पिताजी को कभी भागवता नहीं कहूंगी। हाँ तू नहीं कहेगी?
नहीं बाबा। तू जानती है बाप पिताजी कितना गुस्से में रहते हैं, तुम्हें मानेंगे बाप? नहीं बाप। मान लो बाप, मैं पिताजी को कभी भावता नहीं कहूंगा बाप। क्या हुआ चमेली? चंपा मुझे भाग विधाता मारने के लिए तैयार है या नहीं? पिताजी, मैं चंपा दीदी को लाख समझाया, लेकिन चंपा दीदी ने आपको भाग विधाता मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या? हाँ पिताजी। भाग विधाता नहीं मानेगी ये? नहीं पिताजी। चमेली, जो लात का देखता है वो बात से नहीं मानता, इसे मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो जा हवेली में विश्राम कर। ठीक है तेरा श्री। सोचा था कि चमेली आएगी तो ये चंड आदमी समझ जाएगी। चंपा, पिताजी जो कहता हूं वो सुनो, सिर्फ एक बार मुझे भाग विधाता कह दो, नहीं तो मैं तुम्हें तरपा तरपा करके मार दूंगा। हे चाहे जाना, जय तय हो शरीर से यह वस्त्र उतार करके सर पर पत्थर बने गए। एक भंगी फूटी वस्त्र पहना देने के लिए कहा। वाह 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 महाराज, बताइए आपकी बेटी चमेली आपको भावता मान ले, उसको सेब पर सेब दे रहे हैं। चंपा आपको भावता मान ले स्वीकार है, आप चंपा का पिटाई कर रहे हैं। जो मुझे भाग विधाता नहीं मानेगा उसके शरीर से हाथ काट लूंगा, माथा से आंख निकाल लूंगा। माथा से माथा में आंख रहे, माथा में आंख रहे, नीचा में आंख रहे। चमेली को कह दिया। जी कह दिया महाराज। हाँ सुन, लेकिन महाराज आपकी बेटी चमेली है, चंपा भी आपका बेटी है, अगर चंपा आपको नहीं मान रहा है आपका मानने में क्या है? अरे सुनो, वैसे ये चंडाली मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी, आखिर उसके लिए महाराज रास्ता कैसी है? बिजली जा तू यहाँ से जंगल, जंगल और जंगल से दस बोझा काटा काट करके ले आ। काटा काटा देकर वो बारी घर वो हो? नहीं तो काटे की बिस्तर लगा। ए भैया कट है पर सुन वो हो? मैं नहीं। तब अगर सुनते हो चंपा मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो काटे के बिस्तर पे सुला करके तड़पा करके पैरों से पूजा करके मैं उसी पलायन फुर्की करवो की। हाँ
तू जा।